नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन है। सड़कें पूरी तरह से शांत नजर आ रही है, वहीं गलियों में कोई भी दिखाई नहीं देता। पूरे शहर की मानो सांसें थम चुकी हैं, उद्योग धंधे भी ठप पड़े हैं। गरीब और मजदूर लोगों के लिए रोटी रोजी कमाना मुहाल हो चुका है। ऐसे में हम निकले सिरसा की सड़कों पर अपने कैमरे के साथ, जहां पर हर नाके पर पुलिस ही पुलिस नजर आए। एम्बुलेंस की गाड़ियों के अलावा आवश्यक सामान की आपूर्ति वाले भी नजर आए, जैसे गैस सिलेंडर की सप्लाई वाले, कुछ एक जगह सब्जी बेचने वाले। किराना की दुकानें खुली नजर आई तो वहीं मेडिकल स्टोर भी खुले दिखाई दिए। सिरसा प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी सचेत है। पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। लोग निजी तौर पर लॉकडाउन का सम्मान भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ शासन और सरकार सख्त है। यही जानने के लिए हम निकले सिरसा शहर में और हम पहुंचे सिरसा की अनाज मंडी, जहां कई सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों और मजदूरों के लिए विशेष भोजन का प्रबंध कर रखा है। इसके लिए बाकायदा प्रशासन की परमिशन, पूरा सहयोग व लॉकडाउन के नियमों के साथ स्वयं सेवकों के रूप में हेल्पलाइन के माध्यम से उनके घर तक भोजन और राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी टीम पहुंची कांग्रेस नेता होसारी लाल शर्मा के यहाँ, जहाँ पर उन्होंने सैकड़ों मजदूरों और गरीबों के लिए स्थानीय लोगों की सहायता से मंडी में मौजूद सभी की सहायता से विशेष भोजन का प्रबंध कर रखा था, जो हर घर तक और उनके द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। यहां पर कई महिलाएं मिलकर के भोजन बना भी रही हैं। सबसे खास बात कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है। आइए देखते हैं सेवा भाव की कुछ झलकियाँ इस खास वीडियो में। शर्मा जी, आपकी तरफ से ये विशेष जो है कोरोना के दौरान लॉकडाउन के दौरान जो ये लंगर की भी व्यवस्था की गई है, इसके अलावा और क्या मतलब आपकी तरफ से प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं? अच्छा जी, देश के अंदर संसार के अंदर ये कोरोना की जो बीमारी है बहुत भयंकर बीमारी है, बड़ी आपदा है ये देश के लिए, विदेशों के लिए भी, और ये भयंकर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे सत्ता के अंदर भी हमने ये बीमारी ना हो इसलिए ये बाजार बंद कराए हैं। जो घर के अंदर रहो, उसमें दूरी बना के रखो, आपको पाँच सौ पर धो, है ना, दूसरे से कम से बाहर मत निकलो ताकि इसका बचाव हो। इससे मतलब हम भी बचें और लोगों को भी बचाएं। और उसके बावजूद भी गरीब आदमी जो है उनके काम बंद हो गए, चाहे वो रिक्शा वाला था, चाहे वो रेहड़ी वाला था, चाहे वो थ्री व्हीलर वाला था, चाहे मजदूर था, सबके जो काम बंद हो गए। काम बंद होने के बाद हमने सभी साथियों ने मिलकर ये 2000 पैकेट सुबह 2000 शाम को भोजन बस्तियों में गरीब आदमियों के में ये व्यवस्था शुरू की है। सारे हमारे साथी मिलकर जो काम कर रहे हैं और इससे लोगों को घर में जा कर रहे हैं, घर घर, ताकि कोई आदमी भूखा ना रहे। तो भाई इस संकट की घड़ी में हम सारे साथी, हमारे इलाके वासियों के, सरसा वासियों के, गांव वासियों के से अपील कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में। होसारी लाल शर्मा पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आप फ़ोन कीजिए। एक आप फ़ोन पे आपके में, चाहे वो कुछ दवाई जरूरत हो, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे और किसी सब्जी की जरूरत हो, चाहे भाई कोई और दिखाना हो, तो तत्पर तैयार मिलूँगा। ये संकट की घड़ी में मैं और मेरे सारे साथी जो आपके जनता के बीच में मिलेंगे
पूरे भोजन की व्यवस्था जो है हमारी जारी रहेगी, और भी अगर हमें और भी बढ़ाना पड़ा वो भी हम बढ़ा देंगे, किसी को भूखा नहीं होने देंगे, ये हमारी सोच है। कोई चाहे वो कहीं का भी हो, गांव का आएगा तो गांव वाले कोई भोजन मिलता है। ये भोजन मंडी वालों के लिए है या हर जगह सिरसा के अलग अलग? किसी बात वैसे तो हमें इलाके मिले हैं जी, काट मोहल्ला मिला है, मेला ग्राउंड मिला है, पीट नगर मिला है, न्यू एमसी कॉलोनी मिला है, इसके बावजूद भी हम जो है शहर के किसी वार्ड से किसी बस, चाहे वो जे जे कॉलोनी का आदमी हो, चाहे वो मोहल्ला खेर का आदमी हो, चाहे दूसरे वार्ड में हो, चाहे वो चतरपट्टी हो, चाहे गौशाला मोहल्ला हो, कोई भी आता है हम उसको उपलब्ध करते, खाली नहीं देते, निराश करके नहीं देते, उसको भोजन के पैकेट लेके। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग अभी लंगर जो है बना रहे हैं, इसमें विशेष तौर पर आप जो है वायरस के चलते दूरी बना करके रखते हैं और कुछ बताते हैं आप इन सभी? ये हमने देखो काम बड़ा है, इतने आदमियों को भोजन तैयार करना कोई छुट्टी में, ये दो आदमियों से होता नहीं जी, तो पे रोटी चल रही आप देख रहे हैं जी, सब्जी तैयार होती है, तो हवाई भी लगे हुए हैं, लेकिन हमने इनको सारों को बांटे हुए मास्क जी, दूरियाँ बना के सोशल जो है दूरी, ताकि बीमारी ना फैले, क्योंकि भयंकर बीमारी है, अगर ये फैलती है तो इसका कोई बचाव नहीं है, मैं इसकी कोई दवाई भी नहीं अब तक, तो भगवान भरोसे है। पर मैं तो एक संदेश और जनता को देना चाहता हूँ, भाई भजन करो, भजन करोगे तो कोरोना भागेगी, हम भी बचेंगे, हमारे साथी भी बचेंगे, हमारे जिलावासी भी बचेंगे, प्रदेशवासी भी बचेंगे, हिंदुस्तान के लोग बचेंगे। ये परहेज जरूरी रखना है, घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहे और भाई बचाव रखे अपना, ताकि बचाव में ही बचाव है, अगर हम जीवित है तो सब कुछ है, अगर हमारे फंस गए तो चक्कर में सब। तो इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के मेरे साथियों से निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने घर से बाहर ना निकले, किसी चीज़ की जरूरत हो, किसी वस्तु की भी, आप मेरा 94-160-3333 नंबर है, फ़ोन कीजिए, मैं आपके लोगों के बीच में रहूँगा, मैं पहले भी आपके लोगों के बीच में था, आज भी रहूँगा, आगे भी रहूँगा। मैं सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप घर से बाहर ना निकले, अपना बचाव करो, दूसरों का बचाव करो जी, यही हमारा। अगर हमें भोजन की व्यवस्था बढ़ानी पड़ी तो हम बढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो फिलहाल तो शहर में जितने भी संस्था में सुविधा सबसे बड़ा यहाँ चल रहा, आप देखिए आपके सामने कितने आदमी लगे हुए सारे, किस तरह सब्जियाँ बन रही है, ये हमारी जी। क्या नाम है अरोड़ा जी? ये जो मंडी के अंदर आज ये लंगर का विशेष प्रबंध आप लोगों ने किया है, ये जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए है या पूरे शहर के अंदर कोई भी जो है कहीं पर भी आप भेजते हैं? ये जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है जी, ये हमारा उनके लिए प्रयास है कि उनके घर तक पहुँचाए, और प्रशासन इसके अंदर हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि घरों से मत निकलो, दूरी बनाए रखो, जिसको भोजन की आवश्यकता है, हमने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने नंबर डाल रखे हैं, जहाँ कोई भूखा है हमें मैसेज डालो, हम वहाँ खाना पहुँचा रहे हैं जी। और ये 15 अप्रैल तक ऐसे ही चलता रहे। कितनी तादाद है जो घर तक पहुँचाने के लिए आप लोगों ने जो वॉलेंटियर निर्धारित किए हैं, कितने लोग इस काम में जुटे हुए हैं? इसके अंदर हमारे साथ सरकार की गाड़ी चलती है, ओके, उसके अंदर हम रख के ले जाते हैं 500-600 आदमी को खाना, और जो हमारे को सरकार ने मोहल्ले अलाउट किए हैं वहाँ भी दे रहे हैं, जहाँ कोई आप जैसा सामाजिक कार्यकर्ता बताता है भी वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा जी, तो वहाँ हम अपनी संस्था की तरफ से पहुँचा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कई जो गरीब मजदूर हैं उनके पास नियमित राशन नहीं है, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा प्रावधान किया है जिसके लिए राशन पहुंचाया जाए उनके घर? हाँ, हम मान लो कि एक दो आदमी एक परिवार है तो वहाँ राशन दे रहे हैं, अभी अपना बना के अपने घर पे खा लो, एक आदमी के लिए तो इतनी दूर नहीं जाएंगे, जहाँ पे पूरी बस्ती है 150 आदमी भूखे बैठे हैं उनके लिए खाना लेके जाते हैं, खाना लेके जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं, बच्चों के लिए बिस्किट भी लेके जा रहे हैं, केले भी लेके जा रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से भी कोई विशेष प्रबंध इस तरह का किया गया है? प्रशासन की बहुत हेल्प मिल रही है कि हमें सहयोग मिल रहा है, हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। शुक्रिया।